शेष एक हिंदी की सेंग है कि या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो आज के मैच से इंडियन टीम क्या बातें सीख रही है आज जो रिजल्ट आने के बाद? आज ये सीख मिलेगा कि जब ही हमें वो एक विकेट मिला था, आई थिंक हम थोड़ा और प्रेशर बना सकते थे उनपे। जैसा आके लेथम ने स्टार्ट दिया उनको, वो अगर थोड़ा हम कप करते थे उस सिचुएशन में तो डेफिनेटली वी वुड हैव बीन ऑन टॉप ऑफ देम। एंड वो समय पे अगर थोड़े फील्डर्स थोड़े अटैकिंग एकदम उसके आग के सामने रहते थे थोड़े, तो और प्रेशर थोड़ा बिल्ड करते थे, तो मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस आ सकता था। बट अगेन एज यू सेड कि ये लर्निंग है और आगे अगले मैच में हम देखेंगे कि कितना हो सकता है, बिकॉज 50 ओवर्स में पूरा टाइम एनर्जी रखना इजी नहीं है। बट वो पार्टनरशिप भी 200 का हो गया था तो थोड़ा सा बॉक डाउन भी हो गए थे फील्डर्स, एंड सॉफ्ट ग्राउंड है तो वो होते रहता है। बट या एज यू सेड इट्स अ लर्निंग कर्व एंड डेफिनेटली। वेदर से कॉप कैसे कर रहे हैं? ठंड तो बहुत है, हम सबके पास हैंड वार्मर्स था एंड वही थोड़ा टफ है फील्डिंग के लिए भी, क्योंकि बॉल हाथ पे एकदम जोर से लगता है आके, आदत नहीं है बट डालना पड़ेगा अभी। श्रेयस एक चीज बताइए, इंग्लैंड के बारे में बात हो रही है, जिस तरह से उन्होंने वनडे क्रिकेट का टेम्पलेट चेंज किया है, T20 में आए, और इंडिया की क्रिटिसिज्म रही थी कि हम लोग थोड़े से कॉन्जर्वेटिव रहे थे, अब फिर से वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप है, सबका फोकस ये है, आपको क्या लग रहा है कि वही जो T20 अब पहले बोलते थे कि वनडे का छोटा वर्जन है T20, अब उल्टा हो गया कि T20 का थोड़ा सा बड़ा वर्जन है वनडे, तो आपकी बैटिंग अप्रोच प्रॉब्ली वही होनी चाहिए जो T20 में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड गो, टोटल आपको पता नहीं कौन सी टीम है, मतलब कितना भी टोटल बनाए नो टोटल इज सेफ। हाँ वो अभी आप जाके तो सीधा T20 मोड में नहीं खेल सकते हो 50 ओवर्स में, बिकॉज बहुत टाइम रहता है हर एक प्लेयर के पास, एंड अगर आपको विकेट देख के पता रहेगा कि ये पार स्कोर है तो उस हिसाब से आप अपना बैटिंग प्लान कर सकते हो और अडाप्ट करना पड़ता है विकेट पे, क्योंकि हर विकेट सेम नहीं खेलेगा और 50 ओवर्स इतना बड़ा गेम है कि टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, 10 ओवर के बाद कुछ अलग ही हो सकता है क्योंकि सनसेट होता है फिर ड्यू आ जाता है, तो फिर पता नहीं आपको विकेट एग्जैक्टली कैसा खेलेगा। तो उस हिसाब से देखिए माइंडसेट तो एकदम रन्स बनाने का ही होना चाहिए, एंड बॉलर्स भी एकदम स्ट्रेटेजाइज करके आते हैं, ऐसे नहीं कि हम एक ही फ्लो में खेल सकते हैं जो T20 में होता है। अब चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अगला मैच होने वाला एक दिन बाद में, बहुत ही छोटी सीरीज है, तो किस तरह से रहते हैं कमबैक के लेकर टीम को, कुछ चेंजेस होंगे या फिर? चेंजेस का तो मुझे पता नहीं, अभी एक मैच में क्या हो सकता है, और ये तो मैनेजमेंट का जॉब है, मेरा नहीं है, एंड हम यही देखेंगे कि वी आर थरो विथ आर प्रेपरेशंस एंड प्रोसेस एकदम राइट रखेंगे, और जैसा मैंने आपको कहा हम आगे का ज्यादा नहीं सोचेंगे, अभी कल रेस्ट है तो रेस्ट करेंगे थोड़ा, एंड परसो वील कम विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग। पकड़ो कैच जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्ले।